Welcome to Indian Kitchen R. हाय, वेलकम टू इंडियन किचन आर्ट। आज का रेसिपी है कोकोनट चटनी। इसमें मैंने कोकोनट लिया है हाफ, तकरीबन ये 200 ग्राम होगा। और इसमें मैंने सिंपल एक दो मिर्चा डालूँगा तीखा के लिए, और ये नमक स्वाद अनुसार। खट्टा के लिए इमली डाला जाता है साउथ इंडिया में, लेकिन मैं इमली नहीं यूज़ करके नींबू यूज़ करता हूँ, और बिना नींबू के भी बिना खट्टा के भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये करी लीव्स है, जो कि साउथ इंडियन डिश में बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं छौंक लगाने के लिए। छौंक लगाने के लिए यहाँ मैंने लाल मिर्च लिया है, और ये राई है, काला सरसों जिसको भी बोलते हैं वो है बस, और ये कड़ी लिप्स, ये तीन का छौंक लगेगा। और इसमें मैंने चना दाल 1 टीस्पून और ग्राउंड नट, मूंगफली के दाने भी मैंने डाले हैं। इसको हल्का मैंने फ्राई कर दिया, दोनों 1 टीस्पून है। इसको हल्का मैंने लाल कर लिया है, इसको ब्लैक नहीं करना, रेडी से ही रखना। और उसके बाद इसको पानी डाल करके 3-4 घंटे के लिए भिगो देना, उसके बाद हम लोग इसको पीसेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये नारियल को काट लिया, क्योंकि ये पीसना ही है मिक्सी में, इसलिए हम लोग कद्दूकस नहीं किए हैं, लेकिन कद्दूकस भी कर सकते हैं। मैं ये पतला पतला काट लिया हूँ, ये सफिशेंट पीस जाएगा। और 2 हरी मिर्च थी उसको भी मैंने काट लिया, इसी में पीस दूंगा। और ये चना दाल और मूंगफली को हम लोग जो सोक किए थे 4 घंटे के लिए, उसको भी छान करके इसी में डाल करके पीस लेना, उसके बाद फिर हम लोग छौंक लगाएंगे। ये हम लोग डाल दिए, और इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपल जितना रहता है उतना ही मुझे पसंद है। उसके बाद फिर मैं इसमें नमक डालूंगा, अभी इसको चलाता हूँ मिक्सी में। इसमें हल्का सा पानी भी डाल दें, क्योंकि नारियल यहाँ पर कच्चा ही है, लेकिन फिर भी हल्का सा डाल दें ताकि ये टेक्सचर आ जाए। अगर ज़्यादा ज़रूरत होगा तो फिर बाद में डालूंगा। अब मिक्सी चला रहा हूँ। सब्सक्राइब कीजिए इंडियन किचन आर्ट चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये हम लोग का चटनी पिसा गया है, इस तरह का होना चाहिए, बहुत अच्छा टेस्ट आ गया है। और इसी को अब छौंकना है, छौंकने के लिए हम लोग सारे मसाले लेके चलते हैं। और ये मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, इसमें अब थोड़ा सा रिफाइंड या सरसों, जिससे भी छौंकना चाहते हैं, मैं प्रेफर रिफाइंड ही करता हूँ, तो यहाँ रिफाइंड थोड़ा देता हूँ, धीमी आंच पे रखे। इसमें मैंने नमक भी मिला ले दिया है, और अब इसे मैंने तेल गरम कर दिया, अब ये लगभग गरम हो गया। ये लाल मिर्च और राई, जो ब्लैक सरसों भी बोलते हैं, उसको मैं डाल दिया। ये 7-8 करी लीव्स हैं, मैंने डाल दिया, अब इसको थोड़ा सा चटकने दीजिए, लाल हो जाएगा।
फिर इसे डाल देंगे। अब ये रेडी है, अब इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ और इससे मैं इसको छोंक दे रहा हूँ। ये जो लेमन है ये मैं नहीं डाला हूँ अभी, क्योंकि कुछ लोग मेरे घर में लेमन के साथ खाते हैं, कुछ नहीं पसंद करते हैं, तो इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार डालने खाने समय। अगर आप खट्टा पसंद करते हैं डाल सकते हैं, इमली पसंद करते हैं इमली डाल सकते हैं। और ये रेडी हो गया चटनी।